और अब वक्त हो गया ये जानने का कि आज आपके मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से। आज लखनऊ में हैं, सीएम 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को अपने आवास पर सम्मानित करेंगे। उसके बाद सीएम प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे सीएम कैबिनेट की बैठक लेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। आज देहरादून में है सीएम। आज उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त राज्य बनाने के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। देहरादून के ओएनजीसी एएमएन घोष ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम मालसी डियर पार्क में मिनी जू का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम पर भी नजर डालते हैं। आज भोपाल में है सीएम। भोपाल में सीएम प्रशासनिक कामकाज निपटाएंगे। दोपहर करीब 2:45 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचेंगे। सीएम शाम 4 बजे विधायकों से मुलाकात करते नजर आएंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के कार्यक्रम पर नजर डालें तो आज शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए सूरत जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सूरत में ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट और गैस प्लांट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। आज सीएम चंडीगढ़ में हैं। सीएम दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। दिन भर सीएम दूसरे रूटीन प्रशासनिक कार्यक्रम को निपटाते नजर आएंगे। वहीं झारखंड के सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं। आज वो रांची में हैं। सीएम आज रांची में प्रशासनिक कामकाज निपटाएंगे। शाम को सीएम रघुवर दास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह आज शिमला में हैं। सीएम वीरभद्र सिंह आज शिमला में प्रशासनिक कामकाज निपटाएंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। बात करते हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम की। आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हैं। सीएम विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे। आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है।